वेलकम टू गुरु मंत्रा अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेक्शन नंबर 4 के अंदर आता है। ओके, सो बेसिकली अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर 1 होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, नंबर 2 होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, थर्ड होगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड फोर्थ विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर दे रखा है, उसे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब आप बात करते हो, तो एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझो आप, कोई भी सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, नंबर 1 सॉल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट का आप एक लिमिटेड पर्टिकुलर अमाउंट लेते हो और सॉल्वेंट के अंदर उसे डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हो। लाइक आपने देखा होगा, आप शुगर वाटर का एक सॉल्यूशन बनाते हो, तो जो सॉल्यूट होता है दैट इज शुगर। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट के अंदर आप लेते हो, 1 स्पून या 2 स्पून। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हो वाटर, जिसके अंदर आप शुगर को घोलते हो। ओके, सो इन अ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। इफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, सरफेस नाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्या होगा कि सरफेस पे अब दोनों ही पार्टिकल्स आ जाएंगे, शुगर के भी और वाटर के भी। पहले क्या था, पहले सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स सरफेस पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। Therefore, friction of surface covered by a solvent molecules get reduced. और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो सॉल्वेंट का जो सर्फेस कवर्ड था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी सर्फेस को, एरिया को ऑक्यूपाइड करने लग जाएंगे। सिंस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोलेली ड्यू टू द सॉल्वेंट अलोन, और आपको पता है कि जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का। एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन द दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के लिए मैक्सिमम होता है, आप ये बोल सकते हो। अब जैसे ही आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो कैसा होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को बेस मानते हुए हम मानते हैं इफ पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपने क्या बोला कि पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके, उसका प्रेशर क्या लिया आपने, पी एस। द डिफरेंस पी नॉट माइनस पी एस इज टर्म्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसी डिफरेंस को आप नाम देते हो वेपर प्रेशर का कम होना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रेशियो ऑफ पीओ पी नॉट एंड पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउट इन 1886 एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। राउट नाम के एक साइंटिस्ट आए 86 के अंदर, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया किसके बीच में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज वेल एज द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, यू कैन से मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या रिलेशन दिया।
द रिलेशनशिप इज नोन एज राउट्स लॉ और इस लॉ को हमने क्या नाम दिया, राउट्स लॉ. इट स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि राउट्स लॉ क्या है. तो राउट्स लॉ क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, इफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉल्यूट के मोल्स एंड कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉल्वेंट के मोल्स. ठीक है, तो जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आएगा आपके पास, जो फॉर्मूला प्रिपेयर होगा, दैट विल बी लाइक दिस. ओके, देखो इसको आप ना एक इजी तरीके से भी याद रख सकते हो. आपको पता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस. ओके, आपने ये चीज लिख दी. और रिलेटिव लोअरिंग की बात करते हो तो रिलेटिव लोअरिंग में क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस. अब सबसे ऊपर आप इसके मोल निकालते हो जिसका आपको वेपर प्रेशर निकालना हो. जैसे आपने एन लिखा, स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन प्लस कैपिटल एन. कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, इफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्वड इन एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन देन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इट विल लुक लाइक दिस. ओके, तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. सेकंड हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हो, एलिवेशन का मतलब क्या होगा ये चीज हम समझते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. देखो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीपी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जो कि आप लेते हो, मतलब ऐसा टेम्परेचर लिक्विड का जो कि बॉइल करना स्टार्ट करता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. ठीक है, वी नो दैट ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड टू अ प्योर सॉल्वेंट, जब आप नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है. ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है. अब देयरफॉर टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, जो वेपर प्रेशर है उसे हम इक्वल्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. और ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन का. द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट उसे आप नाम दे देते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. T naught B is the boiling point of the pure solvent and TB is the boiling point of solution. Then elevation in boiling point is given by, अब elevation in boiling point का relation कैसे दोगे, वो कुछ इस तरीके से होगा, delta TB is equals to T naught B minus TB. Delta क्या है, delta आपको difference show कर रहा है. Okay, इसके अलावा आपके पास मोलारिटी के साथ भी एक रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है जो कि आपको याद रखना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम टू इंटू एम वन. ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एम स्क्वायर नहीं है, एम टू है. एम टू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. इसको आप सिंपली किससे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सिंपली मोलारिटी वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो. कैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू एम, फिर आप एम का फॉर्मूला डाल दोगे मोलारिटी का तो आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी आपको गिवन है. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, तो मोलारिटी के साथ आप डेल्टा टीबी का रिलेशनशिप निकाल सकते हो. कैसे, सिंपली याद रखो, मोलारिटी तो आप सिंपल काउंट कर लोगे, तो सिंपल आप याद रखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू स्मॉल एम. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, इससे सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड. सिमिलरली वहां बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हो. अब
According to Raoult's law, when a non-volatile solution solid is added to solvent, its vapor pressure decreases. आपको पता है Raoult's law के according non-volatile solid को solvent में add करोगे, vapor pressure decrease होना start कर जाएगा. Now it would become equal to that the solid solvent at a lower temperature. Difference between freezing point of a pure solvent and solution is known as depression in freezing point. जैसे पिछली चीजें कवर की हैं, similarly depression in freezing point क्या होगा? Simple सा एक difference होगा pure solvent और solution के बीच में. ठीक है? Formula क्या आएगा? Formula आएगा delta TF is equals to T naught F minus TF. अब यहाँ पे भी आप molality के साथ relationship दे सकते हो. और रिलेशनशिप कैसा जाएगा? कुछ इस तरीके से. बस यहाँ पे आपके पास Kf आ जाएगा जो कि आपका मोलर कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा. पिछले वाले में भी आपके पास Kb आ जाएगा. ठीक है, कांस्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू आपको या तो कैलकुलेट करनी होगी या फिर आपको गिवन होगी. नेक्स्ट वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? व्हेन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली, उसको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अंदर बीच में रख दिया. इट इज ऑब्जर्व दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर कैसे पास होंगे? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल मतलब होता है कि वो कुछ गिनी चुनी चीजों को ही अंदर या बाहर जाने देंगी. ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. और क्या होगा इससे? वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. आ गई बात कि कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही परमिएबल बनाएगी मेम्ब्रेन, उसको पास करने देगी. और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. बट इट प्रिवेंट्स द पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट. लेकिन ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज का वेरिएशन आ जाएगा. दिस फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर्म अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट. किसमें डिपेंड कर जाती है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी? यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. लेकिन ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी कि सॉल्यूट का नेचर क्या है. ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप बात करते हो, फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिनोट करते हो विद पाई एंड पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी. सी क्या है यहाँ पे आपके पास? सी है आपके पास मोलारिटी, आर आपके पास कॉन्स्टेंट है एंड टी इज वॉट? टी इज द टेम्परेचर. ओके, तो ये बात हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर की. ये आपको याद रखना है, इस रिजल्ट के ऊपर आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब हमारे पास है वॉन्ट हॉफ फैक्टर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन अ सॉल्यूशन. जब भी कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएट होना, ब्रेक होना. एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट होना, एड अप होना. द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे और डिक्रीज हो सकते हैं. अगर डिसोसिएट हुए, अगर ब्रेक हुए तो क्या होगा? तो पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे. ठीक है, और अगर एसोसिएट होते हैं, ऐड होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, एंड दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस अकॉर्डिंगली. और क्या होता रहेगा? जितनी भी आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये चेंज होती रहेंगी. द एक्सटेंड ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ फैक्टर दैट इज नोन एज वॉन्ट हॉफ फैक्टर. अब कितने एक्सटेंड तक डिसोसिएशन हो रहा है, कितने एक्सटेंड तक एसोसिएशन हो रहा है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? उसको आप एक्सप्रेस करते हो विद वॉन्ट हॉफ फैक्टर. वॉन्ट हॉफ फैक्टर की अगर आप बात करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो? सिंपल फॉर्मूले आपको गिवन है. वॉन्ट हॉफ फैक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल आई से. ठीक है, स्मॉल आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके फर्दर आपको सेकेंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला गिवन है.
ओके, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हेक्सेन एंड हेप्टेन वर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. एक आइडियल सोल्यूशन बनाया हेक्सेन और हेप्टेन को एड अप करके. एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड हेक्सेन एंड हेप्टेन आर 190 किलो पास्कल. देखो सबसे पहले वैल्यूज को देखना. यहाँ पे क्या लिखा है, किलो. दैट मीन्स 10 × 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नॉर्मल पास्कल में कन्वर्ट करोगे. सेकेंड हेप्टेन का कितना है, वेपर प्रेशर 45 किलो पास्कल. व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, सॉल्यूट का गिवन है. बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ हेक्सेन एंड 35 ग्राम ऑफ हेप्टेन विल बी. काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, आप आराम से कर सकते हो. देखो क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. करो भाई, कैसे करोगे आप, सबसे पहले हेक्सेन के निकाल लो. हेक्सेन का गिवन मास कितना है आपको, 25 ग्राम. ठीक है, हेक्सेन का 25 ग्राम हो गया. मोलर मास होता है 86. डिवाइड किया 0.29 मोल्स आ गए हेक्सेन के. हेप्टेन का मास गिवन है 35 ग्राम. ठीक है, 35 ग्राम लिया आपने, यहाँ पे हेप्टेन का मास कैलकुलेट किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 100. डिवाइड किया N2 के मोल्स आ गए, दैट इज योर 0.35. अब देखो X1 कैलकुलेट करना है आपको. कैसे कैलकुलेट करोगे, X1 क्या है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया आपने, किसके, हेक्सेन के ना पर्टिकुलर, जो आपका सॉल्यूशन है हेक्सेन प्लस हेप्टेन. तो उसके लिए आप X1 कैलकुलेट कैसे करोगे, जिसके निकालने हैं उसको लिखो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, 0.45. अब देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो होता है, मान लो वो दो दो सॉल्यूट के पार्टिकल से मिलके बना है, तो आप क्या करोगे, जो N1 प्लस N2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 लेके चलोगे. क्या लेके चलोगे, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 1. मतलब एक के मोल कैलकुलेट कर लो, फिर दूसरे को 1 माइनस कर दो, उसमें से 1 माइनस N1 करोगे तो क्या आ जाएगा, N2 के मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि N1 is equals to 1 minus N2. कहां से आया, यहां से आ गया. तो आपने क्या किया, X2 निकाला 1 minus 0.45, तो आया 0.55. अब P निकालना है टोटल, तो क्या करोगे, P01 into X1 plus P02 into X2 सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट इक्विलिब्रियम. सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं. इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. आज के लेक्चर के आप अंदर आप देखोगे अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम काफी आसान है, ऑल्दो आयनिक भी आसान है, बस आयनिक में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी. ओके, तो आज हम सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कशन करेंगे. चलिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर. और एक पर्टिकुलर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेट आती है कि जो रिएक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है. स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट के मोल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं. ठीक है, इसके अंदर दो प्रोसेसेस है, फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस. अब हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस में बात करते हो, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर अ फिजिकल प्रोसेस इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि फिजिकल प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस क्या है. केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल. दैट इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर इक्विलिब्रियम. मतलब देखो ऐसे समझ सकते हो, आपने रिएक्टेंट लिया ए, रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी. ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्टेंट ए जब बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इसे आप नाम दोगे फॉरवर्ड रिएक्शन. जब बी वापस से ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसे आप नाम दोगे बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, और इस प्रोसेस को आप नाम क्या दे देते हो, इक्विलिब्रियम, जब इनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस. ठीक है, और जो कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम. नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
अब देखो चीजें बहुत आसान हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, याद रखना, आराम से करके आओगे पेपर में। देखो द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजुअली डिनोटेड बाय के। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, बाय अ सिंबल के। प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम। देखो क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करके दे दो। कैसे करके दोगे, देखो आपके पास मान लो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, ओके रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, सी और डी आपके पास प्रोडक्ट है। एक बार के लिए हम लिख देते हैं, ओके ए आपके पास, ए और बी ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट है, और सी और डी आपके पास क्या है, सी और डी आपके पास प्रोडक्ट है। अब सोचने वाली बात ये है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या है, ये क्या है, स्मॉल में जो आपके पास लिखे हैं ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। तो जब आप के इक्विलिब्रियम लिख रहे होंगे तो के इक्विलिब्रियम लिखने का सबसे आसान तरीका है फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन, और यू कैन से बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रिएक्शन। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आप क्या करोगे, जो आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सिंपल सी चीज याद रखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनके मोल्स हैं। अब देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, तो कैसे लिखोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका होगा के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने का, ब्रैकेट लगाओ, बिग ब्रैकेट, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट जो बन चुका है कंसेंट्रेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, इसके बाहर इसके जो पावर होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट में क्या है, उन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करो और यहाँ पे डी लगा दो, स्मॉल डी, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है। नीचे रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट क्या है, कैपिटल ए, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल ए, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज किया, रिएक्टेंट है बी एंड नंबर ऑफ मोल्स है बी, ओके। तो दैट इज योर व्हाट, के इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ कंसेंट्रेशन डिनोटेड बाय केसी, और केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन। तो हमने यहाँ पे लिया क्या है, हमने सिंपली यहाँ पे कंसेंट्रेशन ही तो मेजर की है, तो दैट इज इक्वल टू दी केसी, डिनोटेड बाय केसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बात आ गई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ईच रेज टू दियर रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, जो भी उनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट है उसको आपने पावर में डाल दिया, या फिर आप बोल सकते हो मोल्स को आपने पावर में डाल दिया। फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, अब गैसेस के अंदर क्या हो जाएगा, गैसेस के अंदर आप पार्शियल प्रेशर ले लोगे, तो पार्शियल प्रेशर लोगे गैसेस के केस में, तो केसी को आप किससे वो कर दोगे, चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे केपी से, ठीक है। तो यहां पर आपने वही लिया, पीसी प्लस पीडी डिवाइडेड बाय वन सेकेंड, ओके। सो आपने यहां पे पी ले लिया पार्शियल प्रेशर शो करने के लिए, प्लस पीसी प्लस पीडी की पावर आपने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डाला, डिवाइडेड बाय पीए जो आपके पास रिएक्टेंट है, प्लस पीबी टू द पावर बी, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू केपी। अब केसी केपी इनके अंदर भी रिलेशन पूछ लिया जाता है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको केसी और केपी की वैल्यू दे दी, या फिर आपसे कैलकुलेट करवा ली, आप सिंपली कैलकुलेट कर दोगे, बहुत आसान है। तो अब इन तीनों के ऊपर ना यहाँ पे तीन केसेस बन जाते हैं, ये तीन केसेस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जर केसी बाय केपी वैल्यूज क्या इंडिकेट करती है, केसी बाय केपी की अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है दैट विल इंडिकेट हायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है। लोअर केसी बाय केपी वैल्यू इंडिकेट्स लोअर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, केसी बाय केपी की वैल्यू अगर कम आ रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम फॉर्म हो रहा है, और अगर इंटरमीडिएट आ रही है तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ओके। तो ये तीन केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट केपी और केसी के बारे में रिलेशनशिप है, एक केपी और केसी का अगर आप रिलेशनशिप मानते हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी, वन सेकेंड गाइस, KP is equals to KC RT to the power delta NG, okay?
डेल्टा एनजी क्या है, ये आपका पावर में जाएगा. ओके, डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स. मतलब यहाँ पे आप सिर्फ क्या लोगे, डेल्टा एनजी का मतलब होगा गैस के प्रोडक्ट्स को आप डिफरेंस लोगे. ओके, गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका डिफरेंस लोगे सिर्फ. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज कांस्टेंट वैल्यू एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड एट दिस स्टेज ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट. ओके, फॉर अ गैशियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज केपी. आपने देख लिया केपी पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय रिप्लेसिंग द कंसेंट्रेशन टर्म्स बाय पार्शियल प्रेशर इन केसी एक्सप्रेशन. आपने देख लिया केसी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, एंड केपी इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर इन अ पर्टिकुलर गैशियस रिएक्शन. ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी. अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि भाई किससे आप रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो वो किससे बताओगे आप, केसी से. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होती है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होंगे सेम फेज के अंदर, तो उसे आप नाम दे देते हो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, रिएक्शंस. हिटरोजीनियस के अंदर क्या होगा, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के जो फेजेस होंगे, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो सेम फेज में ना होके डिफरेंट फेज में होंगे. अब फेज से मतलब क्या है, फेज से मतलब है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालोगे, जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी. इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. आप कैलकुलेट करोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, कैटलिस्ट केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं एक एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो अगर केसी की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा रही है तो क्या होगा, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन. अगर 10 टू द पावर 3 से केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और रिएक्शन आपकी कंप्लीट होने वाली है. ठीक है, सेकेंड यू हैव इफ केसी इज लेस देन 10 टू द पावर 3. अगर केसी की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रही है. ओके, और ये मुश्किल से कंप्लीट कर पाएगी. अगर केसी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 टू 10 टू द पावर 3 के बीच में रहती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट सिमिलर टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ओके, अब प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. हमने ये तो देख लिया कि हम रिएक्शन क्वेश्चन की मदद से रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो कैसे प्रिडिक्ट करोगे. रिएक्शन क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन एट अ स्टेज ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी. अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो क्या होगा, तब आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन रिएक्टेंट जो होंगे दैट आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला केस आपको पता होना चाहिए. अब हमारे पास है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चेंज इन एनी फैक्टर सच एज टेम्परेचर प्रेशर कंसेंट्रेशन. ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी भी फैक्टर के अंदर चेंज लाते हो, फैक्टर लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसेंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, दैट विल कॉज द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट इन अ सच अ डायरेक्शन सो एज टू रिड्यूस द काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज. तो देखो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि मान लो आपने कोई भी चेंज लेके आए आप टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो रिएक्शन
जो होगी वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिसकी मदद से आप जो चेंज लेके आए हो उस चेंज को निग्लेक्ट कर सकते हो, काउंटरैक्ट कर सकते हो. इट कैन बी यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस का एडिशन आप बोल सकते हो इस तरीके से. ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैटलिस्ट जो होती है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, वो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसे इंक्रीज कर देती है. कैसे? वो उसकी जो एनर्जी होती है उसे कम कर देती है. ठीक है, ऑल सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. एसिड हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट हो गए, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम गाइस. आई होप केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा. केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं दैट आर वेरी इजी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है एंड आपका आंसर आराम से आ जाएगा, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है. ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, क्यूसी क्या होता है, केसी क्या होता है, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ना. टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.